दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स के पर। दोस्तों आज है 8 सितंबर, एक बार फिर से हम आपके लिए 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, क्लर्क की भी यहाँ पर बम्पर भर्ती निकली है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में, भारतीय मानक ब्यूरो 20 के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट डायरेक्टर की वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी आप नोटिफिकेशन से सिंपली चेक कर सकते हो। जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट के लिए 19,900 से 63,200 सैलरी है। सीनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए 25,500 से 81,100 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 35,400 से 112,400 है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 29,200 से 92,300 है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए 56,100 से 177,500 सैलरी पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, MBA, लॉ डिग्री या CWA से आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की भी जानकारी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। 27, 30, 35 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए ₹800 आवेदन शुल्क है। ऑल अदर्स पोस्ट के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है। SST PWD फीमेल और 20 सर्विंग एम्प्लॉयज को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न आपको पोस्ट वाइज डिटेल्स में नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही दिया गया है। आप वहीं से सिंपली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रीड कर सकते हो और सिंपली आप एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हो। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। bis.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 5 सितंबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 सितंबर 2020 है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट 20 अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन एग्जाम हेल्ड होगा 8 नवंबर 2020 को। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। क्लर्क बाबू या लिपिक की भर्ती है। 1000 वैकेंसीज है, 9,300 से 34,800 सैलरी है। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है। आवेदन शुल्क की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। UP SSC.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट जज क्लास सेकंड एंट्री लेवल की भर्ती है। 252 वैकेंसीज है। 27,700 से 44,770 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। लॉ डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 35 वर्ष आयु सीमा है। अनडिजर्व कैंडिडेट्स और जो यहाँ पर MP से अलग स्टेट के उनके लिए 1,122.16 रुपये शुल्क है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 722.16 आवेदन शुल्क है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के। जहाँ दोस्तों सिलेक्शन होगा ऑनलाइन प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। MPSC.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 22 सितंबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 5 नवंबर 2020 है। करेक्शन फॉर्म के लिए यहाँ पर करेक्शन की डेट ऑनलाइन फॉर्म के लिए 10 से 12 नवंबर 2020 है। प्री एग्जाम डेट और मेन एग्जाम डेट जल्दी डिक्लेयर की जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर, वेटनरी मेडिकल ऑफिसर, वेटिंग ऑफिसर,
प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्लानर इंजीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस ऑफिसर की 610 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सही आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। योग्यता की बात की जाए तो MBBS MDMS डिग्री या PG डिग्री डिप्लोमा CA CS डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 21 से 45 26 से 40 और 50 से 62 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए ₹105 शुल्क है। SST के लिए ₹65 PH के लिए ₹25 है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। upsc.up.nic.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट 5 सितंबर 2020 थी। लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 1 अक्टूबर 2020 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत जूनियर स्टेनोग्राफर की भर्ती है। वेरियस वैकेंसीज है। 9500 सैलरी पर माह के लिए है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 32 वर्ष है। जनरल OBC के लिए ₹200 शुल्क है। SC ST के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। पेमेंट आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा SSC के अंतर्गत ये भर्ती है। OSSC.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 25 सितंबर 2020 है। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 8 सितंबर 2020 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।